की हमारी क्लास नंबर 9 है, जिसके अंदर हम कैरोसेल ऐड बनाना सीखेंगे। यानी आप लोगों ने अक्सर देखा होगा फेसबुक के ऊपर या गूगल के ऊपर या किसी भी जो है ना ब्राउजिंग कर रहे होते हैं ना जब हम, तो आप लोगों ने वहाँ पर अक्सर ये देखा होगा कि एक इस तरह का ऐड आपके सामने शो होता है, जिसको आप राइट साइड से रोटेट करते हो या लेफ्ट साइड से, तो उसमें बाकी भी काफ़ी सारे आइटम शो हो रहे होते हैं। एक आइटम फिर उसके बाद उसको मूव करो तो यानी एक पूरा सारा वो बना हुआ होता है, कैरोसेल बना हुआ होता है। तो इसके अंदर 10 आइटम लगा सकते हैं हम एट अ टाइम एक ऐड के अंदर, तो उनमें से जिसके ऊपर भी फिर कस्टमर क्लिक करेगा तो वो उसके लैंडिंग पेज पर आ जाएगा। तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि आज की क्लास भी हमारी बहुत अच्छी होगी, हम इसमें काफ़ी चीज़ें सीखेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को समझ ना आए तो काइंडली आप लोगों ने जो है ना नीचे चैट में मैसेज करना है, ताकि क्लास के दौरान आपको उन क्वेश्चंस का आंसर दिया जा सके। तो बढ़ते हैं क्लास की तरफ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये हम एड मैनेजर के अंदर आए हुए हैं और काफ़ी डिटेल में आप लोगों को सारी चीज़ें पहले हम कवर करवा चुके हैं, तो इसलिए आज हम डायरेक्ट जो है ना अपना जो है वो स्टार्ट करेंगे। यहाँ से हम ऐड अकाउंट पे क्लिक कर लेंगे। तो ये हमने बनाया था ऐड अकाउंट, हम इसी पर आगे जो है प्रैक्टिस किया करेंगे इंशाल्लाह। आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है, जिन जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और लाइक का बटन भी दबा दें और शेयर कर दें, ताकि आने वाली जो भी न्यू वीडियोस अपलोड हों तो आप लोगों को फौरन उनका नोटिफिकेशन मिल सके। तो इंशाल्लाह हम आगे भी रेगुलर बेसिस पर वीडियोज़ जो हैं अपलोड करते रहेंगे आप लोगों के लिए। तो अगर आप लोगों में से किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज़ ना समझ आ रही हो, तो डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर भी अवेलेबल है, आप हमसे रब्ता भी कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर किसी ने फेसबुक ऐड चलवाने हो या टिकटॉक ऐड चलवाने हो तो वो हमसे रब्ता भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा ऐड अकाउंट ओपन हो गया है, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हम यहाँ पर सेल सेलेक्ट कर लेंगे, ये कंटिन्यू दबा दिया हमने, ये हमने दबा दिया यहाँ पे मैनुअल सेलेक्ट करके फिर से कंटिन्यू कर दिया। बाकी आगे इंशाल्लाह ताला हम बाकी चीज़ें भी कवर करेंगे साथ साथ, कि सेल्स के अलावा कौन कौन से ऑप्शंस हैं, उनको किस तरह यूज़ किया जाता है। तो ये इंशाल्लाह फेसबुक एड सीरीज हमारी आगे चलती रहेगी, इसी तरह साथ साथ हम इस पर वीडियो अपलोड करते रहेंगे। आप लोगों ने अगर कोई स्पेशल वीडियो बनवानी हो किसी टॉपिक के हवाले से, यानी फेसबुक एड्स के हवाले से, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ताकि हम जो है उस टॉपिक के ऊपर भी बना दें वीडियो। यानी आपको कोई चीज़ नहीं समझ आ रही फेसबुक एड्स के हवाले से, तो आप हमारी हेल्प भी ले सकते हैं हमसे रब्ता करके, और उसके अलावा हम कमेंट कर सकते हैं कि वीडियो बना दें, तो इंशाल्लाह हम वीडियो भी फिर बनाएंगे। लेकिन आप लोगों से ये गुजारिश रहेगी कि जो अभी तक अपलोड हो चुकी है वीडियो, काइंडली प्रीवियस वीडियोज आप सारी देखें, ताकि आपकी कंप्लीट तौर पर जो है ना लर्निंग हो सके। ये कैटलॉग फिलहाल ऑफ ही रहेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। हम ये ऑन कर लेंगे। कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन ही आप लोगों को बताया जा चुका है, यहाँ पे हम कुछ भी बजट दे सकते हैं पर डे का। तो क्योंकि हम कैरोसेल ऐड लगा रहे हैं तो उसके लिए 1000 बजट बेहतर रहेगा। यहाँ से हम कर देंगे नेक्स्ट। यहाँ पे आप लोगों ने वेबसाइट सेलेक्ट करना है, या आप लोगों ने अच्छे तरीके से हमेशा चेक कर लेनी है ये चीज़ें, ठीक है।
बाकी आप लोगों ने किसी चीज को ज्यादा छेड़ना नहीं है, बस जो जो चीजें हम आपको बता रहे हैं वो आप कर लीजिएगा। यहाँ पर लोकेशन पाकिस्तान है, जहाँ पर आप ऐड चलाना चाहें आप लोकेशन सेट कर सकते हैं यहाँ पर, और टारगेटिंग में जो है तो कल हमने, मतलब जो कल की हमारी प्रीवियस क्लास गुजरी है, क्लास नंबर 8, उसके अंदर हमने डिटेल टारगेटिंग सीखी थी, वो भी क्लॉथ्स के हवाले से, यानी गारमेंट्स कपड़े वगैरह जो होते हैं उनके हवाले से। अगर किसी ने ऐड चलाने हो तो हमने उस टॉपिक के ऊपर डिटेल टारगेटिंग की वीडियो कल बनाई है, स्टूडेंट को भी काफ़ी अच्छे तरीके से समझ आई है, और हमने वही जो है वीडियो रिकॉर्ड करके आप लोगों के लिए अपलोड भी कर दी है, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं। ऑडियंस बनाना हो तो यहाँ पर सेलेक्ट करके, अब अगर पहले की ऑडियंस बनी हुई होगी स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर जब हम क्लिक करेंगे यूज सेव्ड ऑडियंस पे, तो वो हमें यहाँ पर शो हो जाएगी। ये देख सकते हैं आप लोग, ये क्लॉथ्स, ये एक ऑडियंस हमने कल बनाई थी। तो ये डिटेल टारगेटिंग भी एक मतलब काफी लर्निंग वाली चीज है, इस पर आप लोगों को काफी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इंशाल्लाह आप लोग सीख जाएंगे। तो यहाँ से मिसाल के तौर पे हमने ये सिलेक्ट कर लिया। अब आप देखिएगा कि ये देखें, ये सारी ऑडियंस कल हमने बनाई है, ये उनकी इंटरेस्ट, डेमोग्राफिक्स, ठीक है, उनके बिहेवियर, ये 3 चीजें होती हैं बेसिकली डिटेल टारगेटिंग के अंदर। चाहे आप किसी भी फील्ड के हवाले से ऑडियंस बना रहे हैं, तो इन 3 चीजों के ऊपर आप करेंगे टारगेट। ये आप ऑटो छोड़ देंगे और हम नेक्स्ट चले जाएंगे। यहाँ पर जल्दी से हम अपना फेसबुक पेज सेलेक्ट कर लेते हैं। चलिए कर देते हैं, क्योंकि बाकी कुछ एक पेज ऐसा भी है जिसके साथ इंस्टाग्राम कनेक्ट नहीं हुआ, तो अगर हम वो कनेक्ट करते तो वो यहाँ पर एरर देता। तो क्योंकि आप लोगों को स्मूथली सारी चीजें लर्न भी करवानी है और सांस लेकर चलना है, तो इसलिए हम आगे बढ़ेंगे। और ये सारी चीजें हम कवर करवा चुके हैं पिछले लेक्चर्स के अंदर, सारी चीजें बना के कनेक्ट करना, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सारी चीजें आप लोग देख सकते हैं, और वेबसाइट होगी तो ये वाला ऑप्शन आप चेक कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर समझने वाली बात जो है, आज का हमारा टॉपिक है बेसिकली कैरोसेल ऐड को। कैरोसेल ऐड जो है ना, वो हमने आज बनाना है। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, दूसरे नंबर पे इमेज, सिंगल इमेज और वीडियो के नीचे कैरोसेल ऐड, तो ये हम कैरोसेल पे चेक कर देंगे। इसके अंदर बेसिकली जो है 10 आइटम्स आप ऐड कर सकते हैं, यानी एक आइटम को एक कार्ड कहा जाता है कैरोसेल ऐड की लैंग्वेज में। अगर मतलब आपको मार्केटिंग की लैंग्वेज में समझाएं तो इसमें कार्ड ऐड होंगे, मतलब 10 कार्ड या 10 आइटम्स जो भी है आप कह सकते हैं। तो ये क्योंकि आप लोगों को फिर बाद में कन्फ्यूजन ना हो, तो इसलिए हमने ये क्लियर कर दिया आपका पॉइंट। अब यहाँ पर हर आइटम के हवाले से यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट आएगा, कॉल टू एक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर हमने शॉप नाउ सेलेक्ट करना है, तो ये रहा, ये हमने शॉप नाउ सेलेक्ट कर लिया। हम यहाँ पर लिखते हैं मिसाल के तौर पे, ये हमने लिखा सीरम, ठीक हो गया। हमने यहाँ पर उसका लिंक डालना होगा के हवाले से, हम करते हैं किसी की वेबसाइट ओपन करके आपको थोड़ा सा समझा देते हैं।
तो यहाँ पर हम कोई भी चीज कर सकते हैं। ये जस्ट आप लोगों को प्रैक्टिस करवाने के लिए और समझाने के लिए हम एक वो चीज करते हैं, ठीक है। हम इसे भी ओपन करते हैं, हम इसे भी करते हैं, हम इसे भी करते हैं, ये आप लोगों को समझ आ जाए और इसे कर देंगे क्लोज, ठीक है। अब सबसे पहले हम क्लिक करेंगे ये देखें, वो कह रहा है इमेज ऐड करनी है या वीडियो ऐड करनी है। हम कहते हैं कि हम इमेज ऐड, अब मैंने आप लोगों के लिए कुछ चीजें निकाली हैं। ये अब आप लोगों की, आप लोगों ने ये चीज भी आज साथ सीखनी है कि किस तरह के इमेज हम अपलोड करेंगे अपने एड्स के लिए, ताकि हमें जब नेक्स्ट टाइम ऐड करनी होगी अपलोड, तो हमें जो है कंफ्यूजन ना हो। ठीक हो गया, अब यहां से ये है कि मैं हमने सेलेक्ट कर ली। हम दोबारा अपलोड पर क्लिक करेंगे और हम ये भी सिलेक्ट करेंगे। अब हम ऐड करेंगे इसको, ये सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए जो है ना आज के लिए ये अलग करके रखी है यहाँ पर। स्टूडेंट्स, आप लोगों को जो जो समझाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, आप लोगों से ये बाद में इसकी क्वेश्चन आंसरिंग भी होगी, और ये आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है डेली बेसिस पर। जो क्लास हो उसकी प्रैक्टिस किया करें, साफ साफ चीज़ों को लेकर चलें, इस तरह आप लोगों की जो है लर्निंग भी अच्छे से होगी और आप लोग भूलेंगे नहीं। प्रैक्टिस मस्ट है। ये देखें, अब ये बाकी जितनी है 1080 मल्टीप्लाई बाय 1080 साइजेस से उनके वो आ गई, अपलोड हो गई, ये नहीं हुई, ठीक हो गया। तो ये आप लोगों ने बहुत ख्याल करना है इन चीजों। हम इसको भी यूज, मतलब हम तो वैसे एज अ प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो चलें ये अपलोड हो गई है तो हम इसे यूज कर लेंगे, मसला नहीं। हमने ऐड लगाना नहीं है, जस्ट हमने एक एज अ डमी एक वो बनानी है, कैंपेन बनानी है, तो हम उसमें इनको यूज करेंगे।
हम यहां से करेंगे कंटिन्यू। ये देखें, वेबसाइट यूआरएल मांग रहे हैं, कह रहे हैं वेबसाइट यूआरएल देंगे तो तब बोला कि वरना यार देता रहे। ये खत्म करके दिखाएंगे आपको इसी लेक्चर के अंदर ही, ये सारी चीजें जब कंप्लीट होंगी तो ये ओके हो जाएगा, मतलब ये फिर एरर नहीं देगा हमें। तो अब हम यहाँ पर लिखते हैं मिसाल के तौर पे, आप लोगों ने स्टूडेंट्स डिस्क्रिप्शन कोशिश करनी है या चैट जीपीटी से लिखवा, ठीक है? एक तो अच्छी बन जाएगी और आप लोगों का टाइम भी वेस्ट नहीं हो। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लिख ली डिस्क्रिप्शन, अब कह रहा है कि वेबसाइट यूआरएल भी दो, तो हम ये उठाते हैं, एक दफा दबाया दूसरी दफा दबाया, ये आप लोगों को पहले बताया था, आज फिर बता देते। जो लिंक आप लोगों ने कॉपी करना होगा, मिसाल के तौर पे ये वाला लिंक है, यहाँ पर आकर ये एक दफा क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा, लेकिन अभी लिंक छोटा है, यहाँ पर कहीं भी आगे दोबारा दबाएंगे तो लिंक बड़ा हो जाएगा, फिर आपने इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है और यहाँ पर आकर कॉपी कर, उस एक आइटम का लिंक लग चुका है। टोटल 10 आइटम ऐड होते हैं, तो ये इस एक आइटम का जो है ना लिंक ऐड हो चुका है और ये इसका काम समझेंगे कंप्लीट हो गया। इस एक का ये बारी बारी हम इन सबको देखेंगे। ये देखें, अगर मैं इस पेंसिल पर क्लिक करूं तो ये इमेज हमने लगाई, ये हमने इसका टाइटल लिखा हेडलाइन, और ये हमने डिस्क्रिप्शन लिखी, ये हमने वेबसाइट यूआरएल इसका लगाया और हमने यहाँ से इसको क्लोज कर दिया। अब हम दूसरे वाले पे आ गए, अब ये टाइटल यहाँ पर खुद आ गए, ठीक है? अब आप लोग कह रहे होंगे ये क्या चक्कर है, इसमें अक्सर इस तरह होता है कि अगर आप लोगों ने एक आइटम एक चीज ऐड कर दी तो वो अप्लाई टू ऑल पर वो चला जाता है। यानी कि अब मिसाल के तौर पे कह रहे हैं आपको बताते हैं, अब यहां पर हम लिखते हैं
ठीक है। यहाँ से करेंगे कॉपी, करेंगे पेस्ट, करेंगे ठीक है। स्पेलिंग ठीक कर ली है हमने, तो हर दफा हम अलग भी लगा सकते हैं। तो अब हम तो इसको करेंगे डिलीट, क्योंकि ये वाला तो हमने फर्स्ट आइटम का लिंक लगाया था ना, तो दूसरे आइटम के अंदर हम यहाँ पर आए, हमने इस लिंक को कॉपी करके हम यहाँ पर आए और हमने ये इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब आप लोग ये देखें, अब मैं कहता हूँ कि ये जो लिंक है ये मतलब 10 आइटम्स यानी कि इसमें हम मैक्सिमम शो करवा सकते हैं कस्टमर को, और वो किस तरह से शो होगा आप लोगों को बता। यहाँ से आप लोगों को नजर आ रहा होगा यकीनन, ये देखें ये स्लाइड सी बनी हुई आ रही होती है, यानी इसको आप लोग राइट साइड पे करेंगे तो दूसरा आइटम आएगा, फिर तीसरा, फिर चौथा, तो इस तरह से करके ये होता है। तो अब आप कहते हैं कि लिंक हमारी एक ही वेबसाइट है उसी का ही रह जाए, यानी आप लोग ऐसा ऐड दिला रहे हैं कि आप कहते हैं कि बस लिंक एक ही हो तो हमारी बस वेबसाइट पे आ जाए कस्टमर, बाकी जो है वो फिर अपनी मर्जी से आइटम परचेज कर ले। तो सब आइटम पर अगर मतलब जो भी आपकी जो आपने इसको ऑफर लगाई हुई है, कोई सेल है या जो भी, तो अब आप कहते हैं कि लिंक हम एक ही लगाना चाहते हैं, तो अप्लाई टू ऑल कार्ड्स के ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो वो सबके ऊपर क्लिक हो जाएगा, नहीं होगा नहीं करेंगे तो फिर एक एक को बारी बारी कर ले। इसी तरह डिस्क्रिप्शन है और इसी तरह से हेडलाइन भी है, और इमेज तो वो आप मतलब हर ऐड के हवाले से अलग अलग यहाँ पे अपलोड करते रहेंगे। ये देखें ठीक है, ये कितनी है काउंट करते हैं। ये 9 है, इसलिए ये कह रहा है कि ऐड कार्ड यानी कि वन मोर, मतलब अगर मैं एक और चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ, और बाकी ये प्लेसमेंट्स का पूछ रहे हैं कहाँ कहाँ शो हो। तो ये एक प्राइमरी टेक्स्ट है जो यहाँ पर शो होगा, यानी जो स्लाइड है ये देखें, अब यहाँ पे द ऑर्डिनरी सीरम लिखा हुआ आ रहा है, साथ में हेयर स्ट्रेटनर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ हो, तो यहाँ पर हम कहते हैं कि हम लिख देते हैं ठीक है, तो वो यहाँ पर वो लिखा हुआ आ जाएगा। फिर ये शॉपनाव का बटन तो हम लगा चुके हैं, ये देखें ये सब पे आ रहा है, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट वेबसाइट का यूआरएल लगा देंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पे ये हमारी वेबसाइट है, तो हमने यहाँ से लिंक कॉपी करके मेन यूआरएल यानी वेबसाइट का जो मेन होम पेज होता है हम वो यहाँ पर लगा देंगे। बाकी हर आइटम के हवाले से तो उसका लिंक लगा हुआ ही होगा, यानी अब कस्टमर अगर यहाँ पे ऑर्डिनरी सीरम के ऊपर क्लिक करेगा शॉप नाउ, तो वो इसके साथ हमने जो लिंक लगाया है इस आइटम का वो इस पर जाएगा, इस तरह से होगा। तो ये अलग है यानी कि सी मोर यूआरएल, ये अलग करके शो हो रहा होगा एक्स्ट्रा करके, साथ ही होगा लेकिन ये डायरेक्ट वेबसाइट का लिंक होगा जो वहां पर शो हो जाएगा।
तो इस तरह से करके आप लोग स्टूडेंट्स कैरोसेल ऐड बना सकते हैं इजीली। आप लोगों को प्रैक्टिस करनी होगी, तो उम्मीद है इंशाल्लाह आप लोगों को फिर समझ आ जाएगी और कोई मसला नहीं होगा। तो आप लोगों से गुजारिश है कि प्रीवियस वीडियो सारी कंप्लीटली देखें, ताकि आप लोगों को एक तो समझ भी अच्छी तरीके से आ जाए और आप लोग आसानी के साथ जब भी आपको ऐड चलाने हों तो आप लोग ऐड चला सकें। तो उम्मीद है आज की क्लास काफ़ी अच्छी रही होगी स्टूडेंट्स। अगर आप लोगों में से किसी का सवाल है तो आप लोग चैट में पूछ सकते हैं, ताकि हम क्लास वाइंड अप करने से पहले पहले आप लोगों के क्वेश्चन क्लियर कर लें। अगर आवाज़ ना आ रही हो तो काइंडली आप लोग चैट बॉक्स में बताया करें। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गई है, आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। तो बाकी जो लोग चैनल पर न्यू आए हैं उन लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और जो इन्होंने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी उनको देखें, ताकि आप लोगों को कम्प्लीटली तौर पर समझ आ जाए कि ऐड किस तरह चलाते हैं। और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो हमसे पर्सनली रब्ता भी कर सकता है। हम फेसबुक एड्स की ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और बाकी जो है किसी ने अगर कोई वीडियो स्पेशल बनवानी है, उसके कोई क्यूरी है फेसबुक एड के हवाले से, तो वो क्वेश्चन भी यहाँ पे कर सकता है। तो उम्मीद है आज की क्लास बहुत अच्छी रही होगी स्टूडेंट्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी।